हेलो, वेलकम टू शांतनु सर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आफ्टर ट्वेल्थ हमारे पास कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी और साथ ही साथ कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटी हैं। इससे पहला वीडियो मैंने टेंथ के ऊपर बनाया था कि टेंथ पास बच्चों के लिए कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, और इस वीडियो के अंदर हमने ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए बनाया, क्योंकि वीडियो के कमेंट में कुछ बच्चों ने बोला था कि सर ट्वेल्थ पास के लिए भी बनाइए। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब कोर्स और इन्हीं सब करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले है यूपीएससी एनडीए का एग्जाम। ये जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के नाम से इसका फॉर्म निकाला जाता है, और इसमें जो है आपकी एलिजिबिलिटी, आप ट्वेल्थ अपियरिंग होंगे, जिस साल आप ट्वेल्थ का एग्जाम देने वाले होंगे आप तभी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ट्वेल्थ पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है आपकी एज लिमिट 16.5 से 19 होनी चाहिए, और आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, जो है आप ट्वेल्थ साइंस से किए हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं साइंस के जो आईआईटी जाई और सिर्फ मेडिकल के बारे में जानते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर जितने सारे बताए जाएंगे करियर अपॉर्चुनिटी, उसमें जो है सो बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा। दूसरा जो है सो एसएससी सीएचएसएल का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीएचएसएल जो है इसको बोला जाता है कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही निकाला जाता है, और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक जनरल कंपटीशन है जिसमें ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा है उसमें हमने बात किया एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का। एयरफोर्स का जो डायरेक्ट जो है रिक्वायरमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है, वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए, जिसको एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास होनी चाहिए। जो एक्स ग्रुप टेक्निकल का है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए, और आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपके पीसीएम सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क, और जो है ओवरऑल आपके इंग्लिश में जो है वो भी 50% मार्क्स चाहिए। तो ये एक्स ग्रुप टेक्निकल का सिर्फ और सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए है। दूसरा है वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल, इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो 12th पास स्टूडेंट इसमें भी हैं। ये इसमें कोई भी इंटरमीडिएट, चाहे वो साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको ओवरऑल इंटरमीडिएट में आपको 50% मार्क चाहिए, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आपको 50% मार्क चाहिए। जो है हमारा चौथा जो है रेलवे एनटीपीसी एग्जाम। एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसके अंदर रेलवे टीसी, टिकट कलेक्टर, गुड्स गार्ड, बहुत सारे ऐसे पद के अंदर जो है बहाली किया जाता है, और इसके लिए आपकी जो है एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए। और दूसरा है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, इसका भी एग्जाम 12th पास स्टूडेंट इसके भी फॉर्म भर सकते हैं। ये सब जो है स्टेट सर्विस कमीशन के द्वारा जो है सो इसकी एलडीसी का एग्जाम लिया जाता है, जैसे कि बीपीएससी बिहार अपना जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश का अपना सर्विस कमीशन, तो सारे स्टेट वाइज जो है एलडीसी जो है लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है भर्ती होती है। इसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए। और जो लास्ट में हमारा है वो है होटल मैनेजमेंट और मर्चेंट नेवी का कोर्स है। ये ऐसे बच्चों के लिए है जो होटल के क्षेत्र में या हॉस्पिटैलिटी में जो है अपना काम करना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो वो जो है 12th बाद ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। और इसके बाद साथ ही साथ एक मैंने जोड़ दिया मर्चेंट नेवी, ये इंडियन नेवी नहीं है, ये मर्चेंट नेवी है, जो व्यापारिक जहाज पे जो भी काम होता है, जैसे शिप बहुत सारे देशों से एक देश से दूसरे देश पानी के रास्ते जो है आते हैं, तो उसके अंदर जो है उसके उस पे जो है सो आपको मर्चेंट नेवी का जॉब दिया जाता है, मर्चेंट नेवी का कोर्स किया जाता है। इस वीडियो के अंदर बहुत शॉर्ट में मैंने बताने का कोशिश किया है, इसको आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मेरा मकसद था कि आपको 12th पास होने के बाद सिर्फ दो ही चीज ना पता हो, इसके बारे और भी बहुत सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, तो इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आप ये सारे कोर्स आप 12th के बाद बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए ये बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है सारे के सारे चीज को कवर करने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन का बटन वो भी दबा दें, ताकि आपको जो है इस तरह की वीडियो का नोटिस चला जाए आपके फोन के अंदर। थैंक यू।